की मशीनें बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलेक्ट्रेट में पुराने ऑपरेटर की शिकवे शिकायतों की वजह से मशीनों को बंद किया गया है, जिसका खामियाजा नए ऑपरेटरों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल आधार कार्ड बनाने के एवज में लोगों से मनमानी राशि ऐंठी जा रही थी। इसकी शिकायत लोगों ने उच्च अधिकारियों से की थी। बाद में प्रशासन ने इन शिकायतों के चलते पुराने ऑपरेटर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब नए ऑपरेटर के हाथ में कमान तो आ गई, लेकिन मशीनें बंद होने से वह चाहते हुए भी लोगों की परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नए आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने वालों का यहाँ किस तरह से तांता लगा हुआ है। आज तकरीबन 70 से अधिक लोग भरी दोपहर में आधार कार्ड बनवाने पहुंचे, लेकिन मशीनों के बंद होने के चलते उन्हें बैरंगी घर की ओर रवानगी डालनी पड़ी। आधार कार्ड यहाँ पे बंद हो गए, मैं यहाँ का आधार ऑपरेटर हूँ। आधार कार्ड की मशीन ऊपर से बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि है ना, यहाँ पे शिकायतीकरण ज्यादा हुआ है। क्या क्या शिकायत है? शिकायत ये कि पूर्व में बैठे हुए ऑपरेटर, उन्होंने आधार बनाने के एवं अपडेट कराने के 150 रुपये 100 रुपये इस तरीके से मनमाने पैसे वसूले गए, इसलिए ऊपर से हमारी मशीनें बंद कर दी गई है। उनकी शिकायतों के कारण हमारी मशीनों पर लोड पड़ा है, इसलिए बंद कर दी गई है। पहले कौन थे? पहले कोई अरविंद सिंह अहिरवार करके ऑपरेटर था और उसका भाई था। कोई गुनाह कैसे, क्या बाहर से आया? बाहर से गेम खेला था, पर डे अप डाउन करता था। उसने मनवाने की वसूली की है? हाँ, उसने बनवाने की नवीनीकरण के भी पैसे लिए और अपडेट के भी पैसे लिए। तो फिर अब क्या हो रहा है? मतलब क्या, मशीनें बंद है, जनता परेशान हो रही है सर। जब तक मशीनें ऊपर से चालू नहीं की जाएंगी तब तक जनता परेशान होगी सर। तो आपने शिकायत की? ऊपर मैंने शिकायत की है, ऊपर बोला जा रहा है कि कर दिया जाएगा। कब तक बोला? देखिए सर, कोई पता बताया नहीं है कि कब तक कर दिया जाएगा। लगभग अभी आज कितने ग्राहक खड़े हैं? लगभग आज कम से कम 50 से 60 और 70 ग्राहक ही आए हुए थे जो वापस हो गए यहाँ से।